हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रवा का नमकीन रेसिपी, जो बेबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और इसे खाने के बाद बेबी का टम्मी काफ़ी टाइम तक फुल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन को हीट किया। जैसे ही पैन हीट हो जाएगा इसमें घर का बना हुआ घी डालेंगे एक चम्मच, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे राई। और जैसे ही राई चटक जाएगा तो इसमें आप एक कप डालेंगे रवा, मतलब सूजी। सूजी को बस 2 मिनट तक फ्राई करना है, 2 मिनट तक रोस्ट करना है। जब ये हल्का ब्राउन मतलब रोस्ट हो जाए तो इसके बाद आप इसमें पानी डाल देंगे। और आप अपने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका बेबी किस तरह से खाता है, गाढ़ा खाता है या पतला खाता है, तो उस तरह से आप पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, जिससे बेबी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा बन जाए और बेबी इसे इंजॉय के साथ खाए। और 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। आपको याद रहे कि अगर आपका बेबी 8 मंथ से प्लस है तभी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए, वरना इसे स्किप कर सकते हैं आप। तो ये देखिए रवा नमकीन रेसिपी जल्दी तैयार हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो रही है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग बनाएं। और ये रवा नमकीन रेसिपी जो है इससे कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे खाने के बाद बेबी को किसी तरह से कोई कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसे बेबी को डेली डाइट में एक बार दे सकते हैं। इसे बनाने में ओनली 5 से 6 मिनट ही लगता है। तो ये बन के तैयार हो चुका है और ये जो रेसिपी है बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बच्चा नहीं खाता होगा तो मे बी ये रवा का नमकीन रेसिपी खाने लगे, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरा रवा का नमकीन रेसिपी तैयार हो चुका है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए। मे बी आपका बच्चा ये खाने लगे, ये रवा का नमकीन रेसिपी आपके बच्चे को ज़्यादा पसंद आए, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा।